अनदर वीडियो और आज है दिवाली, इसलिए हैप्पी दिवाली सभी को। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गई, मेरे काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ आज, लेकिन हैप्पी दिवाली सभी को और आप लोगों की फैमिलीज को भी हैप्पी दिवाली। और आज हम जो है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी दिवाली पे हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या मतलब पूजा होगी घर में, और बस ये छोटा सा ही ब्लॉग होगा, लेकिन मन था आज दिवाली है इसलिए वीडियो बनाने का। अब हम घर में करेंगे अपनी पूजा और मैं दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करेंगे, ठीक है? मिलेंगे अभी हम जब पूजा करेंगे तब मैं आपको इनको दिखाऊंगी, तब तक के लिए गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम अपने घर के बाहर बना रहे हैं सतिया, सातिया जो भी बोलते हैं, ताकि नज़र ना लगे, है ना? ये है मेरी बहन जो कि बहुत टाइम मतलब पहली बार ब्लॉग में आ रही है, अब कटवा ना दे बस इस बात का डर है। और यहाँ पे बन रहे सतिया, जब बन जाएगा तब दिखाएंगे, साथ ही पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ताकि नजर ना लगे। और दे फूल थोड़े से और दे, पर लड्डू को पंच कर लो लगा, तुम भी आज लाइफ में लेगा ले ले, रखे मेरे पास, मैं तैयार हूँ लाने के आज। और यहाँ पे चल रही है हमारे घर पे पूजा की तैयारियाँ, ये है दादी और ये बस होगा गाइस, हमारे यहाँ पे दिवाली की तैयारी हो रही है, मतलब शुरू हो रही है मेरी यहाँ पे दिए के अंदर रोई लगा रहे हैं। तू मत काम करिए, बस मैं सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। उसकी यात्रा बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, आगे बढ़िया बढ़िया बुद्धि भी देना साथ में, ताकि मुझे जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाऊं। तो पिटे तो गाइस, आज की हमारी दिवाली यहीं खत्म होती है और हमने बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, और चारों तरफ दिवाली का माहौल है, अच्छा लगा आज का दिन और बहुत ही अच्छा गया आज का दिन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी, ठीक है? और विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, और दोबारा भी और कल के लिए भी,
विश यू ऑल हैप्पी गोवर्धन। कल सब लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे और कल का व्लॉग मैं भी बनाऊंगी अगर हो सकता है तो। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।